हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एमपी बोर्ड ने क्लास 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का टाइम टेबल कब अनाउंस किया जाएगा उस बारे में भी हम बात करेंगे और एमपी बोर्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, उनकी भी बात करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी। देखिए, आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी 15 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी। इसके लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति 5 मार्च से होगी। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उनके लिए जो कॉपी आपकी चेक करेंगे, जो आपके एग्जाम्स को मूल्यांकन करेंगे, उन टीचर्स की नियुक्ति 5 मार्च से होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल 5 अप्रैल या उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। देखिए, 15 अप्रैल से शुरू होनी है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आपको 5 अप्रैल या उससे पहले बता दिया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उपयुक्त पाए जाने वाली लैब या फिर संस्था को स्टूडेंट या स्कूलों को आवंटित 25 मार्च से किया जाएगा। देखिए, जो भी लैब या फिर स्कूल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए उपयुक्त होंगे उनके लिए स्टूडेंट को बता दिया जाएगा कि 25 मार्च को कि ये वाले लैब में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या फिर ये वाले स्कूल में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। देखिए, अभी तक दो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहला कि 15 अप्रैल को से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे और 5 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा या उससे पहले इनकी डेट्स रिलीज कर दी जाएंगी कि कब कौन सा एग्ज़ाम होना है, कितनी डेट को, कितने बजे से कौन सा एग्ज़ाम होना है। और उसके लिए आपकी लैब और स्कूल भी बता दिए जाएंगे कि कौन से लैब में, कौन से स्कूल में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षाएं। देखिए, एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होंगी। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं कब स्टार्ट होंगी? 30 अप्रैल से, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से स्टार्ट होना है। गर्मी के कारण यह परीक्षा 1 घंटे पहले शुरू होंगी। गर्मी के कारण 1 घंटे पहले होंगी, सुबह 8 से 11 बजे तक ली जाएंगी। देखिए, पहले 9 से 12 तक होता था आपका एग्ज़ाम, लेकिन गर्मी के कारण ये 8 से 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो 1 घंटे कम कर दिया है एमपी बोर्ड ने। इस बीच यदि शासन द्वारा कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार संपन्न होंगी। देखिए, इतने बीच में अगर कोई भी सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है जो परीक्षाओं की डेट है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे की वैसी आपकी परीक्षाएं चलेंगी। शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और DPSI परीक्षा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 30 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के कक्ष में सुबह 7:30 बजे उपस्थित होना होगा। देखिए, टाइमिंग है आपकी परीक्षा केंद्र में पहुंचने की 7:30 बजे की, और अगर आप परीक्षा कक्ष में 7:45 के बाद पहुंचते हैं तो किसी भी छात्र को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परीक्षा नहीं देनी दी जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको 7:30 बजे तक किसी भी हालत में आपके परीक्षा केंद्र के अंदर उपस्थित होना है। अगर आप 7:45 के बाद आओगे तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी बैठने की। तो परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के पहले छात्रों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। देखिए, 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी, यानी कि आपकी कॉपी 10 मिनट पहले आपको दे दी जाएगी और 5 मिनट पहले आपको पेपर दिए जाएंगे। परीक्षा के दौरान कोविड नियमों और शारीरिक दूरी का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान जो कोविड है उसके जो दिशा निर्देश हैं उनका ध्यान दिया जाएगा और शारीरिक दूरी को भी महत्व दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।